My name is Ankit Verma. Now I am a studying of Uzbekistan National University in Ukraine. I live in Bihar district, Katihar, Paragolam, Barihar. जैसे कि कल रात से यूक्रेन और रशिया में वॉर स्टार्ट हो चुका है. यूक्रेन के कुछ इलाकों जैसे कीव, डेनिप्रो, खारकीव, ओडेसा में गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है और हवाई फायरिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण हम भारतीय सब फंसे हुए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं. क्योंकि हम पहले निकल जाना चाहते थे, लेकिन टिकट का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल था, इसके कारण हम भारतीय नहीं जा सके. और अभी यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम लोग फंस चुके और नहीं निकल पा रहे. हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल और डर का माहौल हो चुका है और हम भारतीय सब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं. भारी बमबारी के बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है. बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से अपील की है कि वह सुरक्षित भारत लौटने में मदद करे. रूसी हमले के चलते यूक्रेन के अपने हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद कई छात्र यूक्रेन छोड़ने के लिए बेताब हैं. वहां शुरू हो चुके युद्ध में फंसे बिहार के छात्र ने वीडियो बमबारी की तस्वीर शेयर की है. तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन में जो बिहारी और देश के जो छात्र भारत के फंसे हैं वो लगातार अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. बिहार के कटिहार में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र यूक्रेन से तस्वीर भेजी है. अंकित कुमार ने यूक्रेन में भीषण युद्ध की शुरुआती दौर को मोबाइल में बनाई और वीडियो अपनी गुहार से देश राज्य की सरकार के साथ साथ अपनी पीड़ा परिवार को भेजकर बताया है. वीडियो में देखिए किस तरीके से जो छात्र वहां फंसे हैं और वो वीडियो में अपनी तमाम बातें जो अपनी पीड़ा जो है वो अपने परिवार अपने देश राज्य के जो लोग हैं उन तक शेयर कर रहे हैं. अंकित की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है. जब अंकित ने वीडियो अपनी माँ को भेजा तो माँ का रो रो कर बुरा हाल है. अपने परिवार और सरकार को भेजी हुई इस वीडियो से अंकित बताता है कि यूक्रेन पर युद्ध की चेतावनी के बाद ही यहाँ से हम सभी भारतीय जो है वो निकलना चाहते हैं, पर फ्लाइट का किराया इतना बढ़ गया है कि हम मुश्किल में पड़ गए हैं. भारतीय सरकार से अब मदद की जरूरत आ पड़ी है. देश के कई इलाकों में लगातार तबाही देखी जा रही है, चारों तरफ मौत का मंजर देखा जा रहा है और जहां हम हैं वहां फंस चुके हैं. कटिहार बराड़ी प्रखंड के क्षेत्र के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने वाले की मां स्मिता रो रो कर बुरा हाल है. उनकी भी तस्वीर देखिए किस तरीके से स्मिता का रो रो कर बुरा हाल है. जब बेटे ने यूक्रेन की तस्वीर और अपनी आपबीती को वीडियो के माध्यम से देश और राज्य और अपनी मां परिवार तक पहुंचाया, उसके बाद परिवार में भी हाहाकार का माहौल है. माय नेम इज अंकित वर्मा. नाउ आई एम स्टडिंग ऑफ उज़्गोड नेशनल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन. आई लिव इन बिहार डिस्ट्रिक्ट कटिहार कारागोला बराड़ीहाट. जैसा कि कल रात से यूक्रेन और रशिया में वॉर स्टार्ट हो चुका है. यूक्रेन के कुछ इलाकों जैसे कीव, डेनिप्रो, खारकीव, ओडेसा में गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है और हवाई फायरिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण हम भारतीय सब फंसे हुए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं. क्योंकि हम पहले निकल जाना चाहते थे, लेकिन टिकट का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल था, इसके कारण हम भारतीय नहीं जा सके. और अभी यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम लोग फंस चुके और नहीं निकल पा रहे. हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल और डर का माहौल हो चुका है और हम भारतीय सब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं. यूक्रेन में है, मेडिकल का पढ़ाई करने गए हुए थे. कल उनसे बात हुई थी, आज सुबह बात किए तो पता चला वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई है. हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति. हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस
जाए।